अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिम सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम रहम की रसूलियों और पानी की थैलियों के हवाले से है। इस प्रोग्राम में हम रहम की रसूलियों की इलामात, वजूहात और इलाज बताएंगे। इससे पहले जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मरीज़ का बदन टूटना, परेशान और खोए खोए रहना, रंग का फीका पड़ जाना और हमल का ज़ाय हो जाना, ये सारी इस मर्ज़ की इलामात हैं। इस मर्ज़ में औरत के रहम के अंदर मटर के दाने से लेकर एक छोटे आलू जितनी रसूलियाँ बन जाती हैं। अगर रसूली सादा हो तो एक मकाम तक बढ़कर रुक जाती है, लेकिन अगर ख़तरनाक हो तो ये अपने मकाम पैदाइश के इर्द गिर्द को भी मुतासर कर देती है। शदीद इलामात में पेट के निचले हिस्से में, बच्चादानी में चुभनदार दर्द या सारे पेट में या फिर रीढ़ की हड्डी तक चला जाता है। इसकी वजह से बाज़ ख़वातीन टांगों में अकड़न महसूस करती हैं और कुछ ख़वातीन को मतली, कै और असहाल भी हो जाते हैं। हैज़ शुरू होने से पहले दर्द में शिद्दत होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इन मसाइल की वजह से हमारी बहन बेटियां बहुत मुश्किल का शिकार हो जाती हैं। तो अब हम इसके इलाज की तरफ चलते हैं। तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले जड़ पान 60 ग्राम और मग्घा 60 ग्राम ले लेनी है। आखिर में तीसरी चीज़ जंजबील 40 ग्राम लेकर इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह बारीक पीस लेना है और इसे अच्छी तरह छान लेना है। तो ये आपकी दवा तैयार हो चुकी है। और इसकी मकदार ख़ुराक की बात करें तो 1 से 2 ग्राम इसकी मकदार ख़ुराक है। कुछ ख़वातीन का वज़न नॉर्मल होता है और कुछ ख़वातीन का वज़न ज़्यादा होता है। तो जिन ख़वातीन का वज़न ज़्यादा है वो इसका 2 ग्राम और जिनका वज़न कम है वो 1 ग्राम इसका ले सकती हैं। इसको नीम गर्म पानी के साथ सुबह शाम खाने के बाद लेना है। इसको 1 माह तक लिया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से पानी की थैलियों और रसूलियों से निजात हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैरा।